नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। साथियों, इसे प्रश्न पत्र में हम देखने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के द्वारा आयोजित सहायक आचार्य की चित्रकला यानी कि रंगीन पेंटिंग के दूसरे भाग को देखने जा रहे हैं। और इस प्रश्न पत्र में भी कुल 150 प्रश्न हैं। इससे पूर्व जो हमने प्रश्न पत्र अपलोड किया है उसमें भी कुल 150 प्रश्न थे। वह पहला भाग था, अर्थात पहला प्रश्न पत्र था, यह दूसरा प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पूछा गया था, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या उत्पन्न किया जा सकता है। तो जब चित्र में आकृतियों को रिपीट होता है, जब रिपीटेशन होती है आकृतियों का, तो प्रवाह उत्पन्न होता है। तो इसका एक जो है वो सही जवाब होगा, संयोजन के सिद्धांत जो है उनमें से एक प्रवाह है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? तो ये बंगाल शैली की बात यदि करते हैं तो उस दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके भाई और उनके परिवार के गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है 1907 में सज्जन जॉन वुड्रोफ की सहायता से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। हीगेल का सौंदर्य दर्शन क्या है? तो हीगेल का जो सौंदर्य दर्शन है उसको त्रयात्मक कहते हैं, जिसको हीगेल का सौंदर्य दर्शन का त्रयात्मक भी कहते हैं और उसको कला दर्शन का हीगेलियन त्रय के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने वाद प्रतिवाद संवाद की बात की थी। व्हाट इज आर्ट विषय पर लिखा गया प्रसिद्ध लेख किस विचारक का है? तो व्हाट इज आर्ट जो है यह लिखा गया है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। किसने सौंदर्य के वर्गीकरण को बेहुदा माना है? तो साथियों, इसमें जो जवाब है वो सटीक जवाब फिलहाल मैं नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल विचारों के आधार पर इसका जो जवाब है वो हम क्रोचे को मान सकते हैं, कि क्रोचे ने एक बात कही थी कि कलाओं का वर्गीकरण तो किया जा सकता है लेकिन उनका विभाजन तो किया जा सकता है लेकिन उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऐसा कथन जो है हम लोग एक क्रोचे का देखते हैं, संभवतः इसका जवाब क्रोचे हो सकता है, लेकिन इसको हम फिलहाल जो है पूर्ण रूप से सटीक इसका जवाब नहीं मानेंगे। RPSC की आंसर की का वेट करेंगे इसके लिए। द्वंद्व गान और मेडोलिन वादिका शीर्ष के चित्रों बनाने वाले चित्रकार कौन हैं? तो ये दो चित्र हैं, द ले डुओ और द वीमन विद गिटार। तो ये चित्र जो है ये घनवाद के कलाकार हैं जॉर्ज ब्राव, उनके द्वारा बनाया गया चित्र है। जॉर्ज ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जवाब यही होगा। प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर में कितने चक्र हैं? कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा के अंदर है और इसके अंदर इसको रथ के समान बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए था, 24 चक्र जो उसमें दिखाए गए हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया मंदिर है 13th century का, कलिंग शैली में बना हुआ मंदिर है। बंगाल शैली से जुड़ी हुई प्रसिद्ध चित्रण पद्धति वॉश तकनीक किन अन्य चित्रकला शैली से प्रभावित है? तो बंगाल शैली में एक चित्रण पद्धति यूज की गई थी वॉश टेक्निक, और प्रश्न पूछा गया है कि वॉश तकनीक जो थी वो किन अन्य चित्रकला शैली से प्रभावित रही है। तो जवाब हो जाएगा इसका जापानी चित्रकला, क्योंकि सन 1902 के अंदर जापान के 2-3 कलाकार जिनमें से याकुहामा ताइकान हिशिदा और ओकाकारा काकुजो इस प्रकार के 2-3 कलाकार आते हैं, और उनके द्वारा जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा शैली को सीखा गया था और बाद में इसका प्रचार प्रसार बंगाल शैली में किया गया है। चित्र सेलिब्रेशन के चित्रकार कौन हैं? तो ये बहुत फेमस चित्रकार है, ये इसका जवाब है देव मेहता जो कि गुजरात के एक आर्टिस्ट है, जिन्होंने काली महिषासुरमर्दिनी जैसे कुछ और भी चित्र बनाए हैं। प्रश्न है, घनाकृति का चित्रण करने पर हमें कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो घन आकृति देखिए यहाँ पे दे रखा है, घन की आकृति जब बनाते हैं हम लोग तो घन में हमें 3 फलक दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 फलक इसमें बने हुए हैं। तो घनवाद जो होता है या घन की आकृति होती है उसमें कितने पक्ष मतलब कितने फलक दिखाई देते हैं? तो उसमें 3 फलक दिखाई देते हैं। अगला है, द्विआयामी चित्र भूमि पर किसके प्रयोग द्वारा त्रिआयामी रूप का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है? तो चित्रभूमि अपने आप में द्विआयामी होती है, और द्विआयामी पे यदि त्रिआयामी प्रभाव दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरी होती है कि छाया प्रकाश का प्रयोग करें या परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करें। तो यहाँ पे परिप्रेक्ष्य का स्थान दिया गया है, ऑप्शन में परिप्रेक्ष्य दिया गया है, इसका सही जवाब परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, जिसमें गहराई दिखा सकते हैं। प्रश्न है, सृजनात्मक प्रक्रिया के प्रथम चरण क्या है? तो जब सृजनात्मक प्रक्रिया होती है, क्रिएटिव जो प्रोसेस होती है, उसका पहला जब हम कुछ सृजन करते हैं तो पहली इसकी होती है निरीक्षण करना या देखना।
ऑब्जर्वेशन जो है ये पहली प्रक्रिया होती है। इसके चार चरण होते हैं, चार चरणों में से पहला चरण इसका ऑब्जर्वेशन है। प्रश्न है अलेक्जेंडर बाउमगार्टन, यहाँ पे गार्टनर लिखा हुआ है, ये तो बाउमगार्टन है ये, का समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो बाउमगार्टन है ये जर्मनी के हैं, सन 1914 में इनका जन्म हुआ था और 1762 में इनका देहांत हुआ था। 1884 से 1892 तक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट्स के अधीक्षक कौन रहे थे, इन हेड कौन रहे थे। तो 1884 से ईबी हेवेल जो है वो तकरीबन, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, 1895 के आसपास तक जो है वहाँ पे रहे थे। 1895 में जो है ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य नियुक्त किए जा चुके थे। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीन। खजुराहो के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक विचित्र पशु आकृति जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है सिंह की बहुत सारी आकृतियाँ बनाई गई, यानी शार्दुल जो है उसे कहा गया है। तो शार्दुल बनाया गया है, आप अंग्रेजी में देखेंगे तो शार्दुल, हालांकि इसका इंग्लिश वर्जन नहीं दे रखा है, शार्दुल ही लिखा हुआ है। तो खजुराहो में सिंह के समान आकृतियाँ बनाई गई है, जिससे कला में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक वस्तु की के रूप की ओर कोई संकेत नहीं होता है। वस्तु के भौतिक रूप कि उसका फिजिकल, उसका अपीयरेंस कैसा, उस पर कोई संकेत नहीं होता है, ऐसी कला को शब्दावली क्या कहते हैं। तो देखिए, परंपरागत कला में हमें रूप देखने को मिलते हैं, आकृति मूलक में हमें आकृतियाँ देखने को मिलती है, त्रिआयामी में हमें एक रूप होता है, उसके तीन आयाम होते हैं, लेकिन जो अमूर्त कला होती है वो आकृति विहीन होती है, उसमें आकृति या कोई रूप नहीं होता है। तो ऑप्शन एक इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, सन 1866 और 1952 तक इटली के कौन से दार्शनिक का जीवन अवधि को दर्शाता है। तो इटली के दर्शन की बात कर रहे हैं, तो क्लाइवेल आपके इंग्लैंड के हो गए हैं, और रिचर्ड जो इंग्लैंड के हो गए हैं, हीगेल आपके जर्मनी के हो गए हैं। यदि आपको इनके देश भी याद है तो अपने आप क्रोचे इसका सही जवाब हो जाता है। तो क्रोचे, जो कि फरवरी 1866 में इनका जन्म हुआ था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। यदि हमें पता है कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है वो पांडे व नायक शासकों के समय करवाया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि इसका सही जवाब दे रखा है पांडे राजा कुलशेखर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रसिद्ध चित्र बरगद वृक्ष यानी कि बेनियन ट्री जो है ये किसके द्वारा निर्मित है। तो नागजी पटेल एक मूर्तिकार है, उन्होंने बनियान ट्री के नाम से एक मूर्तिशिल्प बनाया था पत्थर में। मोहनजोदड़ो संस्कृति चित्र किस चित्रकार की रचना है। तो मोहनजोदड़ो की संस्कृति यह जो आर्टवर्क बनाया गया था सतीश गुजराल के द्वारा, सतीश गुजराल जो कि 1925 में जन्मे कलाकार हैं, लाहौर में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी, मिरलिस्ट के रूप में उनकी अधिक पहचान होती है। चित्र खुदाई के समान है यह कथन किसका है। तो एक नव प्रभावाद के कलाकार थे जिनको बिंदुवादी आर्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जॉर्ज शोरा या शुरत, यहाँ पे सेराट लिखा हुआ है। तो जॉर्ज शोरा जो है नव प्रभावादी कलाकार हैं, बिंदुवादी विभाजनवाद के नाम से भी जानते हैं उसे, उन्होंने चित्र ये कथन कहा था। ऊपर से नीचे के क्रम में मंदिर वास्तुकला के हिस्सों का सही क्रम क्या है। तो यदि हम देखें तो मंदिर देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, छोटा सा आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे ऊपर की यदि बात करते तो सबसे ऊपर कलश होता है, उसके नीचे जो है यहाँ पर आमलक होता है, उसके बाद में शिखर आता है, शिखर के बाद में गर्भगृह होता है, फिर जगती है, उसके बाद में अधिष्ठान है। तो इस प्रकार से ये हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले अपना कलश हो गया है, उसके बाद आमलक हो गया है, फिर जगती, और सबसे नीचे जो है वो होता है अपना अधिष्ठान, जगती और उसके नीचे अधिष्ठान। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इसमें सी बी ए डी, इसमें जो ऑप्शन नंबर दो है इसका सही जवाब होगा। ये नागर शैली के अंदर बने हुए मंदिरों की एक संरचना है। वर्ष 1924 में काव्य लोचन के सिद्धांत नामक पुस्तक के लिखने वाले दर्शेंद्र शास्त्री कौन है। तो काव्य लोचन के सिद्धांत जो हैं ये किताब लिखी थी आई ए रिचर्ड ने। प्रश्न है कृति लख, हालांकि अंग्रेजी में आप देखेंगे तो इधर आपको ल्यूक लिखा हुआ दिख सकता है। ये मोनालिसा की पेंटिंग के ऊपर मूछें लगा के कलाकृति बनाई गई थी, और ये कलाकार था उनका नाम था मार्शल धुशा। तो उसका डुशेम लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्शल डुशेम, ये दादावादी कलाकार थे। अगला प्रश्न है, किराड़ू के मंदिर समूह में सर्वोत्कृष्ट शिल्प कला का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मंदिर का नाम क्या है। तो किराड़ू जो है ये बाड़मेर के अंदर स्थित है, बाड़मेर राजस्थान में स्थित है, इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, और यहाँ के सभी मंदिरों में से सोमेश्वर का जो शिव मंदिर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि सचिया माता का मंदिर ओसिया में आ जाता है, ये आपके साउथ राजस्थान का है,
और ये भी कोई एक और मंदिर हो सकता है, तो सोमेश्वर का शिव मंदिर जो है ये सही जवाब होगा। प्रश्न है, सही समूह का चयन करें जहां राजस्थान की वास्तुकला मंदिर के काल अनुक्रम में है। तो यहाँ पे लिखा गया, देखिए अंबिका माता मंदिर, किराड़ू मंदिर, अर्थुणा और रणकपुर, यहाँ पे चार मंदिर दे रखे हुए हैं, जिनमें से बात करते हैं सबसे पहले अंबिका माता मंदिर की, तो 10th सेंचुरी के आसपास का अंबिका माता का मंदिर है। उसके बाद में किराड़ू के मंदिर की बात करते हैं, तकरीबन 11वीं शताब्दी के आसपास ही किराड़ू के मंदिर आते हैं। अर्थुणा के मंदिर 11वीं से 12वीं शताब्दी में बने थे अर्थुणा के मंदिर, और लगभग 14th-15th सेंचुरी के आसपास जो है आपके रणकपुर के जैन मंदिर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, अंबिका माता मंदिर, किराड़ू, अर्थुणा और रणकपुर। रणकपुर सबसे बाद में बने हुए मंदिर हैं, 15th सेंचुरी के हैं, महाराणा कुंभा के टाइम के आसपास बने थे। तो रणकपुर वाले जो ऑप्शन है दो में ही देखने को मिल रहे हैं, इसलिए देखिए ये तो दोनों अपने आप गलत हो जाते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी के आग्रह पर लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा व गुजरात के हरिपुरा ग्राम के आयोजित अधिवेशन के लिए भारतीय दैनिक जीवन पर आधारित चित्र या पोस्टर बनाने वाले चित्रकार कौन हैं? तो यहाँ पर भारतीय जीवन पर आधारित चित्र बनाने वाले कलाकार हैं जिन्होंने हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में पोस्टर रंगों से चित्र बनाए थे। नंदलाल बोस ने ग्रामीण दृश्यों पर आधारित चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, नियमित रूप कौन सा है? तो नियमित रूप को हम कह सकते हैं कि सममित रूप, या फिर ये कहें कि हम लोग फॉर्मल जो फॉर्म होती है वो कौन सी है। तो यहाँ पे केतली जो है उसको दो भागों में जब डिवाइड करते हैं तो उसके दोनों भाग अनियमित होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। बाकी चतुर्भुज होता है, दो भागों में डिवाइड करने पे उसके दोनों भाग समान होंगे, गोल के भी समान होंगे और गिलास के भी समान होंगे। केतली के दोनों भाग समान नहीं होंगे, इसलिए उसको अनियमित रूप के नाम से जानते हैं। सलवाडोर डाली का यह चित्र जिसमें लचीली घड़ियाँ कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पे सूखने के लिए रखी हुई हैं, तो डाली ने एक चित्र बनाया था, उसका नाम था परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, या स्मृति की निरंतरता, और उसका नाम जो है दृष्टि सातत्य भी देखने को मिलता है। तो उसका सही जवाब जो है वो दृष्टि सातत्य होना चाहिए, हालांकि इसका जवाब दृष्टि सातत्य ही है, बट लेकिन इसका अंग्रेजी वर्जन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और नाम इसका देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी नाम देखें आप, नाम इसका दे रखा है रिशरेशन। तो ये जो है ये किसी और संदर्भ में चला जाता है, तो इसके अंग्रेजी वर्जन को देखते हैं तो हो सकता है कि प्रश्न में कुछ जो है डाउट क्रिएट हो जाएं, लेकिन हिंदी में पूर्ण रूप से यह जो जवाब इसका है वो सही है, दृष्टि सातत्य इसका सही जवाब होगा, एक्यूरेट है। यह कला मात्र नेत्रों और भावनाओं की कला के बजाय मस्तिष्क संबंधी कला है, यानी मस्तिष्क यानी कि अपने दिमाग से संबंधित कला है। सोलविलेट का यह कथन किस कला के लिए सही ठहरता है? तो देखिए भावनाओं और नेत्रों के बजाय ये मस्तिष्क की कला है, इसमें एक क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसको कॉन्सेप्चुअल आर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन चार इसका सही जवाब होगा। किसके अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं? तो यहाँ पे जो आनंद कुमार स्वामी हैं उन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के बारे में कहा था कि उन्होंने इतने हल्के रंग लगाए हैं कि इनके विषय वस्तु को पहचान नहीं पाते हैं, जिनके चित्र बड़े नाटकीय हैं। जबकि ईबी हेवेल ने जो है इनके चित्रों पे काव्यात्मकता का अभाव जो है ये कह के इनके चित्रों पे कटाक्ष किया था। प्रश्न है, रजा ने भारत के अतिरिक्त किस देश में अधिकांश समय व्यतीत किया था? तो रजा जो एक बिंदुवादी कलाकार हैं, इन्होंने भारत में जब इनके ऊपर विरोध हुआ तो इन्होंने पेरिस फ्रांस में चले गए थे, इन्होंने पेरिस फ्रांस में रह के अपना जीवन यापन किया था। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? तो अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया था, द थियोरी ऑफ कैथारसिस, तो इसमें विरेचन का सिद्धांत यानी कि ऑप्शन नंबर दो इसका सही होगा। तो विरेचन, जिसको इंग्लिश में कैथारसिस भी लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, तो त्रासदी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है विरेचन। अगला प्रश्न है, जैक्स लुइस डेविड यानी कि जैक लुइस दाविद, तो दाविद ने नवशास्त्रीयवाद का पहला चित्र कौन सा बनाया था? तो होरेशिया का परिणाम का जो चित्र है ये दाविद का बनाया हुआ है, पहला चित्र है। वह कलाकार जो अपने चित्रों में ज्यामिति अमूर्तन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ज्योमेट्रिकल अब्स्ट्रैक्ट में काम करने वाले कलाकार हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट काम करने वाले प्रमुख कलाकार में नाम आता है SH रजा का, जिन्होंने बिंदु को लेके, तंत्र को लेके, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को लेके चित्र बनाए हैं। लेक्चर्स ऑन फाइन आर्ट्स ये किसकी रचना है? तो ये रचना है हीगेल की, जिन्होंने फिलोसोफी ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से भी रचना की थी। अगला प्रश्न है, जयपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त राजस्थान के ऐतिहासिक मूर्तिशिल्प परंपरा के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में संरक्षित मंदिरों एवं स्मारकों का संबंध रहा है?
तो जयपुर उसके आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से सिलेबस में जो प्रश्न पत्र दिए गए थे उसके आधार पे कह कहें कि जयपुर के आसपास दो प्रमुख स्थल हैं। एक आता है सीकर, जो कि राजस्थान के सीकर में है, जयपुर से नज़दीक ही है तकरीबन, और एक दौसा, ये दोनों नज़दीकी जगह हैं। और जो सीकर जो है वहाँ पर हर्षनाथ की पहाड़ी पे हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है, भगवान शिव को डेडिकेटेड मंदिर है, जो कि अलीस अलट ने बनवाया था। और साथ ही दोसा, जो कि आभानेरी दोसा के अंदर, जहाँ पे चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर वास्तव में जो कि भगवान विष्णु का, यानी वैष्णव मंदिर मानते हैं उसे। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो दोसा और सीकर के दो प्रमुख मंदिरों के आधार पर देखा जाए तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा शैव और वैष्णव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होना चाहिए। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक रामकिंकर बैज को सन 1906 में इनका जन्म हुआ था, बांकुड़ा बलियातोर पश्चिम बंगाल में। जयपुर में स्थित शहीद स्मारक पुलिस मेमोरियल किस मूर्तिकार की कृति है? ये पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था कई बार एग्जाम में। वो सारिणी पूजा दिल्ली की जन्मी हुई आर्टिस्ट 1923 की, और उन्होंने राजस्थान में रहते हुए बहुत सारे कार्य किए थे, उनमें से शहीद स्मारक भी इनका एक प्रमुख आर्टवर्क है। निम्नलिखित में से अमेरिकन दार्शनिक के रूप में जानते हैं? तो अमेरिकन दार्शनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिगमंड फ्रायड आपके ऑस्ट्रिया के हो गए हैं, संताइना जो है ये आपके संभवतः फ्रांस वगैरह के हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ मैं। रिचर्ड आपके इंग्लैंड के हो गए हैं, और सुजन के लेंगर जो हैं ये आपके अमेरिका से हैं, सुजन कैथरीन लेंगर, तो ये अमेरिकन दार्शनिक है। पारंपरिक बंगाली लोक रूपांकनों व कालीगढ़ चित्रों से प्रभावित होकर भारतीय विषयों का चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? तो यहाँ पे नाम आ रहा है यामिनी रॉय का, सन 1887 में जन्मे हुए कलाकार, पहला पद्म भूषण इनको प्राप्त हुआ था। जब आप किसी सीधी सड़क को देखते हैं तो उसकी भुजाएं दूरी पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे छोटा सा, ये दोनों यहाँ पे लाइनें जा रही है पैरेलल, और आगे जाके जो आगे है दोनों रेखाएं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार की ये जो लाइन जाती है ये, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, यहाँ इसको कहते हैं स्थिर बिंदु, इसको स्थिर बिंदु कहेंगे, जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसको हम लोग वेनिसिंग पॉइंट यानी कि अदृश्य बिंदु कहेंगे। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे, तो एक तो हो गया आपका स्टैटिक पॉइंट, यानी कि एक तो स्थिर बिंदु है, एक हॉरिजॉन्टल बिंदु यानी कि आपका है जो क्षैतिज बिंदु हो गया है, एक वेनिसिंग पॉइंट यानी अदृश्य बिंदु, और एक हो गया आपकी विजुअल लाइन, दृश्य रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे वेनिसिंग पॉइंट लिखा हुआ है, और पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, हालांकि इसका हिंदी में रूपांतरण करके रेखा दिया हुआ है, तो रेखा ना हो कि अदृश्य बिंदु होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अदृश्य बिंदु ना कि रेखा। उस प्रसिद्ध चित्र को पहचाने जिसमें थका हुआ क्लांत घोड़ा, एक सांड, चीखती हुई औरत, मृत शिशु, अभंग अंग भंग युक्त सैनिक और अग्निशिखा जैसे रूपों का विरूपण शैली में किया गया है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्णिका। गवर्णिका का जो चित्र सन 1937 के अंदर पिकासो द्वारा बनाया गया था, इसमें जबकि मेदोसा की बेड़ा जो है उसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें एक बेड़े के ऊपर कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया है, बेड़ा मतलब एक छोटी सी नाव टाइप है, तो उस पर घोड़ा और सांड वगैरह तो नहीं हो सकते हैं ना, मिनर्वा की विजय में भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, इससे बैंस के बलात्कार में भी इस प्रकार की आकृतियाँ नहीं दर्शाई गई है, गवर्निका इसका सही जवाब है। जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहा जाता है? तो हीगल जो है उनको जर्मन दर्शन का अरस्तु कहते हैं, अरस्तु जो कि यूनानी थे और हीगल जर्मन के थे, इसलिए उनको जर्मन दर्शन का अरस्तु कहा जाता है। मातिस द्वारा चित्रित विषय जिसमें आंतरिक सज्जा, व्यक्ति चित्र, वस्तु चित्रण आदि हैं, लेकिन उन्होंने देखा है उससे मजबूत जीवन तरंगों का उपयोग करके पैटर्न में बदल दिया है, ये तो इनके बारे में थी बात। उनके द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो ये प्रश्न पूछा गया कि उनकी मातिस की फेमस पेंटिंग कौन सी है, तो उनका चित्र है ये लाल चित्रकला कक्ष, रेड स्टूडियो। कला सत्य की अनुकृति है, इस दार्शनिक विचारधारा के प्रेरणाता कौन है? तो प्लेटो ने कहा था कि कला सत्य की अनुकृति है, सत्य और जो ईश्वर द्वारा दिया गया यथार्थ है उसकी अनुकृति बताई गई थी प्लेटो के द्वारा। किस स्थान पर कलात्मक संपदा को महमूद गजनवी की क्रूरता झेलनी पड़ी थी? तो राजस्थान के अंदर आभानेरी है, वहां पर महमूद गजनवी द्वारा जो है
लगभग 11वीं सेंचुरी के आसपास में वहाँ पर आक्रमण किया गया था। और यदि आप देखें, यदि पाठ्यक्रम के आधार पर जाते हैं तो ओसी पाठ्यक्रम में नहीं है, बारडोली यानी कि जो बारडोली को लिखने का प्रयास किया गया है यहाँ पे, वो भी सिलेबस में नहीं है। और रणकपुर जो है ये आपका टेम्पल्स बनाए गए हैं 14-15 सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में महमूद गजनवी नहीं था, महमूद गजनवी का टाइमिंग था 11वीं सेंचुरी के आसपास में, इसलिए यहाँ पे अपने आप प्रश्न सही हो जाता है आप अंधेरे का बिना किसी विशेष दिमाग के। निम्न में से कौन सी कलाकृति चित्रकार एफ एन सुजा द्वारा चित्रित की गई है? तो एफ एन सुजा जो है उन्होंने ईसाई धर्म के चित्र भी बनाए थे, जिनमें से उनका एक चित्र है क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये उनका एक चित्र है, और संभवतः उनका चित्र फिशर विमेन भी है। हालांकि ब्रह्मचारी चित्र उन्होंने नहीं बनाया हुआ है, ये बेसिकली हम लोग अमृता शेरिल का देखते हैं, पटेटोएटर्स आप देखते हैं कि एक ये यथार्थवादी कलाकार कुर्बे का है, तो इसकी जो है अधिक संभावना बन जाती है 1 और 3 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी। तो यहाँ पे ए और सी यहाँ पे दे रखा है 4 नंबर का, ये इसका जो है सटीक जवाब होने की संभावना, प्रबल संभावना है। क्लाइव बेल के अनुसार सभी कलाकृतियों की सामान्य विशेषता क्या है? तो क्लाइव बेल जो है उन्होंने बात की थी मीनिंगफुल फॉर्म की या सिग्निफिकेंट फॉर्म की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? तो प्रतीकात्मक रूप की दी बात की जा रही है यहाँ पे, सिंबॉलिक फॉर्म की दी बात करते हैं, तो नाम आता है सुजन के लेंगर का, सुजन के लेंगर जो कि अमेरिका की दर्शनशास्त्री है, जबकि सिग्निफिकेंट फॉर्म की बात की है क्लाइव बेल ने, और रूपवाद की प्रवर्तक है कौन? रोजर फ्रॉय। कास्ट पैनल पे टेम्परा चित्रण हेतु लेसिट तकनीक किस कलाकार ने विकसित की है? तो टेम्परा रंगों के एक बेहतरीन कलाकार, उनका नाम है सिद्ध कुमार हालदर, उन्होंने टेम्परा रंगों में काम किया है, चुगता ने टेम्परा में काम बहुत कम किया है, उन्होंने नंदलाल बोस ने भी काम किया है, खासगिर ने भी किया है। बेसिकली सिद्ध कुमार हालदर ने एक विशेष तकनीक जिसमें लाख का प्रयोग करके उन्होंने ये तकनीक तैयार की थी, उसको लेसिट तकनीक के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सन टेम्पल कलिंग से नहीं बना हुआ है, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा जो है 13वीं सेंचुरी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी किताब है? सेंस ऑफ ब्यूटी जो है ये जो संतायना की किताब है। प्रसिद्ध चित्र देलाने किस कलावाद से संबंधित है? देलाने जिन्होंने सुरीलवाद ऑर्फिज्म जो है उसका आविष्कार किया था, या उसके ये संस्थापक रहे थे ऑर्फिज्म के, सुरीलवाद। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण, दूरी के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? रंगत जो होगी इसको इंग्लिश में देख लीजिए, द चेंज ऑफ कलर कॉज्ड बाय, यानी कलर का चेंज हो रहा है, कारण क्या होगा? या तो लाइट द्वारा, या एयर हवा के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा, या फिर डिस्टेंस की वजह से जब रंग बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो रंग बदलने की जो परिस्थिति पैदा होती है, एक तो टेक्सचर में तो बिल्कुल नहीं होगी, तो टेक्सचर में तो बिल्कुल नहीं होने वाली है इसमें, ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आप देख लीजिएगा, बस का देखिए टेक्सचर में तो बिल्कुल नहीं हो सकती ये चीज़। फिर दूसरा आता है सघनता, सघनता को अंग्रेजी में डेंसिटी भी कहते हैं, इसको क्रोमा के नाम से भी जानते हैं। सघनता में क्या होता है, इसमें चित्र के अंदर रंग जो है वो कितना शुद्ध है, तो रंग की शुद्धता के बारे में बातचीत की जाती है यहाँ पे डेंसिटी में या सघनता में, ठीक है। तो उस पर लाइट का, एटमॉस्फेयर का, डिस्टेंस का, सघनता पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर बसता आपके पास तान और मान, दो चीज़ें हैं मान और तान। मान जो होता है रंग के अंदर सफ़ेद रंग या काले रंग की मात्रा कितनी है, सफ़ेद रंग की मात्रा अधिक होने से चित्र में मान बढ़ जाता है, सॉरी रंग का मान बढ़ जाता है, और काला रंग मिलाने से उसका मान घट जाता है। और तान जो होता है, तान के ऊपर वातावरण का, दूरी का भी प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो यथासंभव जो जवाब हो तान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है मेरे विचारों के आधार पे। क्योंकि देखिए जब हम किसी दृश्य का चित्रांकन करते हैं तो नज़दीक की वस्तुएँ जो होती हैं उनमें तीव्र रंग होते हैं, या ये कहें कि प्रकाश का फर्क ये पड़ रहा है कि आगे की वस्तु जो है वो आपकी ज़्यादा चमकीली होगी, या दूर की वस्तु धुंधली होगी, या ये कहें कि रंग जो है उसमें हल्का होता चला जाएगा, तो वातावरण का ये फर्क पड़ रहा है, उसके ऊपर दूरी का ये प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो नज़दीकी जो जवाब है वो तान हो सकता है, और इसका जवाब जो है वो मान भी हो सकता है। तो ये दो जो हैं इसके नज़दीकी जवाब हो सकते हैं, यानी प्रायोरिटी पे हम तान को लेंगे और सेकेंडरी पे मान को लेंगे, ये दो इसके जवाब नहीं होने की संभावनाएं हैं। आप यदि सहमत हैं या असहमत हैं तो आप कमेंट करके बताइए इस बारे में।
15 सेंचुरी में पुर्तगालियों ने इस टापू को आकार देकर इसे एलिफेंटा नाम दिया। पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? तो एलिफेंटा जो है उसको घारापुरी के नाम से भी जानते हैं। सुप्रसिद्ध कृति दांडी यात्रा बनाने वाले चित्रकार कौन है? तो दांडी मार्ग जो ये है, ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया एक लिनो कट है। वह कलाकार जिसने अपने कलाकारी में चिड़िया, वृक्ष, पहाड़ के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये वो कलाकार, उनका नाम है जे स्वामीनाथन। 1928 शिमला हिमाचल प्रदेश में जन्मे हुए कलाकार है। कांटा पत्रिका का संपादन किया था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित अर्थोणा मंदिर राजस्थान के किस भाग में है? तो इससे संबंधित प्रश्न एक पहले भी आ चुका है, अर्थोणा है और भारत के किस भाग में है? तो अर्थोणा के मंदिर बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा भारत राजस्थान के दक्षिणी छोर में है। दक्षिण इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक काल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? या आधुनिक कला का जन्मदाता तो सेजान को मानते हैं। उत्तर प्रभावती कलाकार है सेजान। 1937 में जर्मन तानाशाह आक्रमकों द्वारा स्पेन के सीमावर्ती गांव पर ध्वस्त करने पर पिकासो द्वारा निर्मित प्रतीकात्मक चित्र कौन सा है? तो स्पेन के पास में जिस गांव पे आक्रमण हुआ था उसके आधार पर उन्होंने चित्र बनाया था, उसका नाम था गुवेरनिका। इसके बारे में पहले ही प्रश्न आ चुका है। अभ्रक के चौको टुकड़ों पर चित्रण किस चित्र शैली में किया गया है? तो अभ्रक के टुकड़े जो है वो बेसिकली हमें जो कंपनी शैली है उसमें अभ्रक पे, हाथी दांत पे, इन जो माध्यम या ये कहें कि इन धरातलों पर भी कार्य किया गया था, माइका पेंटिंग्स इन्हें कहते हैं। रूप आकार की अनुलंबवत व क्षितिजवत आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरेललिज्म, यानी कि समांतरवाद इसको कहते हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? तो क्रिटिक की बात की जाती है तो कांट का नाम आता है। कांट ने क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन करके कुछ किताबें लिखी थी। चित्र शीर्षक एट द बार ऑफ फोलिस ब्रजीर, यानी कि फोली ब्रजीर के मदिरा ग्रह के नाम से ये पेंटिंग है। इसके चित्रकार कौन है? तो ये पेंटिंग बनाई थी प्रभावादी कलाकार माने ने, एडवर्ड माने ने ये पेंटिंग बनाई थी फोली ब्रजीर का मदिरा ग्रह। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत जो है आंतरिक सौंदर्य का भी करते हैं, विधानगत सौंदर्य, अभिव्यक्त सौंदर्य, यानी तीनों ही प्रकार के सौंदर्य का जो है यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। इनर ब्यूटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्यूटी हो गया, और एक्सप्रेसिव ब्यूटी हो गया। तीनों प्रकार की ब्यूटी का अध्ययन जो है सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो संभवतः इसका सही जवाब जो है तीनों ही सही होंगे, ऑप्शन नंबर 4। यह विचार किसने दिया है कि प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है और वही कला है? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंट्यूशन की बात की जा रही है क्रोचे के द्वारा। तो क्रोचे ने जो है सहज अनुभूतियाँ या फिर सहजानुभूति या इंट्यूशन की बात इनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही जवाब हो जाएगा। कला कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया था? तो क्रोचे के विपरीत जाके एक सौंदर्य शास्त्री थे आई रिचर्ड ने जो है इन कला के लिए कला का विरोध किया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो गुस्ताव कुर्बे के विषय में लिखे हुए हैं। पहला है गुस्ताव कुर्बे के चित्रों में विषय दैनिक जीवन, प्राकृतिक दृश्य, कृषक और श्रमिकों के चित्रण हैं। ये सही बात है। मेदुसा का बेड़ा चित्र गुस्ताव कुर्बे की कलाकृति, ये चीज़ गलत है। मेदुसा का बेड़ा कुर्बे की चित्राकृति नहीं है, और ये जेरिको की है, थियोडोर जेरिको की। कुर्बे यथार्थवाद का प्रबल विरोधी था, विरोधी नहीं था, ये इसका समर्थक था, तो ये चीज़ भी गलत है। और गुस्ताव कुर्बे का जन्म 1919 में हुआ था, ये जवाब भी गलत है। 1919 में निवेदन का जन्म 1819 में हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें से एक ही कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। कलाकार को निम्नलिखित में से क्रम व आरंभ के आधार पे आरंभ से नवीनतम तक सही करना है। तो जैसा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई देख पा रहे होंगे, 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ, 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का, सन 1882 में नंदलाल बोस का, और सन 1913 वीरेंद्रनाथ शेरगिल का। तो ए बी सी डी इसका सही जवाब होगा। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस समय किया गया था? तो दिलवाड़ा के जिन मंदिर, पहला मंदिर जो है वो 1031 के अंदर बनाया गया था, यानी कि 11वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन में 11वीं ए की जगह दे रखा है, तो 11वीं से 16वीं शताब्दी इसका सही जवाब होगा। दिलवाड़ा के जिन मंदिर सिरोही माउंट आबू के अंदर स्थित है।
प्रश्न है, अति सूक्ष्मवादी चित्रण को हम किस तत्व को देख सकते हैं? अति सूक्ष्मवादी चित्रण में हम किस तत्व को देख सकते हैं, यानी कि मिनिमलिज्म जो आर्ट है उसमें हम क्या देख सकते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, प्रकृति का सरलीकरण, अति सरलीकरण के साथ वस्तुनिष्ठता, और भाव की अभिव्यक्ति, या फिर कम कार्य के साथ वस्तुनिष्ठता। तो इसका जो जवाब है वो नज़दीकी जवाब इसका प्रतीत हो रहा है कि इसका दो जो है इसका सही जवाब हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी इसका सही जवाब हो सकता है। और इसका एक्यूरेट क्या हो सकता है आपके हिसाब से, वह भी आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से इसका जवाब दो हो सकता है। प्रभाव्यता के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? प्रभाव्यता यानी कि डोमिनेंस दिखाने के लिए सबसे जरूरी है विषय वस्तु की अनुरूपता के विषय मैटर करता है प्रभाव्यता के लिए। प्रभाव्यता में आकृति, किस आकृति पे हमारा पहला ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में किस आकृति पे ध्यान देना चाहिए, तो उसको प्रभाव्यता कहते हैं, और उसके लिए विषय वस्तु जरूरी है। कौन सा मंदिर दक्षिण द्रविड़ शैली, माफ करना, कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो रणकपुर के मंदिर आपके पाली में हैं, ये नागर शैली में ही बने हैं। किरावड़ी के मंदिर जो हैं ये भी आपके महामारु शैली के अंदर निर्मित है। दिरवाड़ा के जैन मंदिर भी जो है यहाँ पर ही निर्मित है महामारु शैली में। बट महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं आपके दक्षिण शैली के प्रमुख उदाहरण हैं, दक्षिण शैली के एक उद्गम स्रोत के रूप में इनको जानते हैं महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से कौन सी कला स्वप्न जैसी कल्पना का उपयोग करते हुए फ्राइड के आदर कार्यों से प्रभावित है? तो फ्राइड के कार्यों से यानी कि फ्राइड की जो सिद्धांत उस पर काम करता है अति यथार्थवाद सरियलिज्म में आर्ट, जिसमें डाली का नाम विशेष रूप से आता है, सल्वाडोर डाली। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? खजुराहो की मूर्तिशिल्प अपनी ओपदार पुलिस के लिए प्रसिद्ध है, ये बात तो गलत है। ओपदार पुलिस के लिए तो फेमस नहीं है, तो आपकी ओपदार पुलिस के लिए मौर्यकालीन कला देखने को मिलती है। कैलाश पर्वत खिलाते हुए रावण यह शिल्प एलोरा में बनाया गया, ये बिल्कुल सही बात है। महिषासुर दुर्गा महिषासुर मर्दिनी शिल्प भारत के सभी मंदिरों में पाया जाता है, ऐसा तो कोई बात नहीं कि सब जगह पाया जाए। और गंगावतरण नामक शिल्प एलिफेंटा की गुफाओं में बनाया गया है, तो ये भी गलत जवाब है, यानी कि एलिफेंटा के अंदर जो है गंगावतरण का दृश्य नहीं बनाया गया है। हाँ, गंगाधर शिव का जरूर अंकन यहाँ पे किया गया है, यहाँ के जो मंदिर जो मूर्तियाँ बनाई गई है उनमें से शिव गंगाधर का भी चित्रांकन यहाँ पे यानी कि मूर्ति बनाई गई है, लेकिन इसका जो सर्वमान्य जवाब जो है वो हो जाएगा कैलाश पर्वत गिराते हुए रावण एलोरा की दो तीन गुफाओं में इसका अंकन देखने को मिलता है। बिंदुवाद कही जाने वाली चित्रण पद्धति का आविष्कार कर का श्रेय किस नव प्रभाववादी चित्रकार को जाता है? तो बिंदुवाद इसको विभाजनवाद के नाम से भी जानते हैं, तो जॉर्ज सोरा, ऑप्शन नंबर दो जॉर्ज सेराट यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन जैसे पोला के चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण यानी कि एक्शन पेंटिंग का नाम जो है किसने दिया था? तो ये दिया था होयराल्ड रोसेनबर्ग ने, हेराल्ड रोसेनबर्ग ने जैक्सन पेंटिंग के नाम को दिया था एक्शन पेंटिंग, जैक्सन पोलाक की पेंटिंग को। महाबलीपुरम के मंदिर का शिखर कैसा है? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है उनका शिखर ये अष्टकोणीय शिखर जो है देखने को मिलता है, इनके जो ऊपर वाला स्तूपिका वाला जो भाग है वो अष्टकोणीय बना हुआ है, बाकी के जो पिरामिड डूबा उनकी जो है छतें बनी हुई है, तो उसका जवाब जो है अष्टकोणीय होना चाहिए। डीपी राय चौधरी के निम्नलिखित में से किस संगठन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? डीपी राय चौधरी जो हैं ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष या ये कहें कि उसके निदेशक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। सन 1954 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी, और ये जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। साथ ही यूनेस्को द्वारा एक आर्ट सेमिनार आयोजित किया गया था, वहाँ पर भी इनको जो है उस आर्ट सेमिनार का चेयरमैन बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा ये तो आरपीएससी ही निर्धारित करेगी, हालांकि इसके जो नज़दीकी जवाब जो हो सकता है आरपीएससी मानने वाली है वो यूनेस्को का आर्ट सेमिनार टोक्यो उसका जवाब होना चाहिए, ये भी इसका सही जवाब है। हालांकि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आने वाली एक संस्था थी, जिसकी स्थापना जिन्होंने ही डीपी राय चौधरी को जो है ये बनाया होगा, तो जवाब इसका यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो ही होना चाहिए 99%। उनके अनुसार कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है, यह कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? तो
ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लियो टॉलस्टॉय ने कहा था कि कला का उद्देश्य जो है सभी को एक सूत्र में बांधना होता है। टॉलस्टॉय कहते थे कि कला क्या है, वास्तव में जो एक अपने भावों को जो हम प्रदर्शित करते हैं और अपने मन में जो भाव है, यदि सामने वाले के मन में भी सेम भाव उत्पन्न होते हैं तो वही कला है, ऐसा लियो टॉलस्टॉय का मानना था। प्रसिद्ध पुस्तक एस्थेटिक 1750 के लेखक कौन है, तो एस्थेटिक जो बुक है ये बॉमगार्टन ने लिखी थी। भारतीय पारिभाषिक शब्द तालमान योजना किस सिद्धांत से संबंधित है, तालमान जो है ये प्रमाण से संबंध रखती है। स्वर्णिम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये यूक्लिड हैं यूनान के, उनके द्वारा यह जो है प्रतिपादित किया गया था। विशाल खड़ी चट्टानों को काट के बनाई गई गंगा अवतरण की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है, तो किसी मंदिर में स्थित नहीं है ये, बल्कि बाहर ही एक भाग पर स्थित महाबलीपुरम में एक चट्टान है, वहाँ पर ही मूर्तिशिल्प बनाया गया, ना कि किसी मंदिर में। ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई मूर्तिशिल्प खुले आकाश के नीचे है यह, जिसको अर्जुन की तपस्या के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश चित्रकार नेविनसन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है, तो नेविनसन जो है इन्होंने भविष्यवादी कला शैली जो है यानी कि फ्यूचरिज्म जो है उसमें इन्होंने कार्य किया था। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग कब किसके द्वारा किया गया है, तो इससे पूर्व भी यह नाम आ ही गया है, 1750 में अलेक्जेंडर बॉमगार्टन जो है उन्होंने एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया था। एन एस बेंद्रे ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया था, तो बेंद्रे जो उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी, उसके बाद उन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय के अंदर अध्यापन कार्य करवाया था। 1910 इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, वहीं से इन्होंने डीडी देवलालीकर से अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, उसके बाद में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था, तत्पश्चात जो है इन्होंने बड़ौदा स्कूल के अंदर यानी कि एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में अपना अध्यापन कार्य करवाया था। इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस के शीर्षक की पुस्तक 30 चित्र संकलित है, यह बनाने वाले चित्रकार कौन है, तो इंडिया कल्चर एट ए ग्लांस जो है ग्लांस ये अक्षय कुमार हालदर की है। अग्रगामी रंग कौन सा है यानी कि सूर्य के नज़दीक वाला रंग कौन सा है, तो यहाँ पे लाल रंग इसका सही जवाब हो जाएगा। मूर्तिकला की दृष्टि से मारवाड़ क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो कि बाड़मेर में बाड़मेर के निकट स्थित है, तो बाड़मेर के पास में है आपकी किराड़ू बाड़मेर, देखो मंडोर जोधपुर में, तो ये गलत हो जाता है, बाड़मेर में नहीं है। ओसियाँ जोधपुर में है, ये भी गलत हो जाता है। आभन ये कहाँ पर है, दौसा में, ये भी गलत हो जाता है, तो किराड़ू बाड़मेर इसका स्वतः ही सही जवाब हो जाता है। किसके अनुसार कला वास्तव में नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के लंगर के समान झूलती रहती है, यानी कि ये इसका यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, और इसका सही जवाब जो है वो एक्यूरेट नहीं हूँ मैं इसके लिए, एक्यूरेट नहीं हूँ, लेकिन एरिक न्यूटन का सही जवाब हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप यदि इसका सटीक जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। स्मृति की निरंतरता नामक चित्र किसने व कब बनाया था, तो स्मृति की निरंतरता नाम दे रखा है पहले से, डाली ने यह चित्र बनाया था 1931 के अंदर, अतीतार्थवाद का चित्र है ये, जिसमें पिघलती हुई घड़ियाँ जो है, लटकती हुई घड़ियाँ दिखाई गई हैं। किससे कला प्रवृत्ति में हम वातावरणीय अंतराल का रचनात्मक व कलात्मक प्रयोग करते हैं, तो वातावरणीय अंतराल की यानी कि वातावरण जो है एनवायरनमेंट का जो स्पेस है उसको यूज करने की बात की जाती है, आती है आपकी भूतल कला यानी कि लैंड आर्ट में। लैंड आर्ट जो होती है, लैंड आर्ट में एक बड़े भूभाग के ऊपर या किसी भूभाग के ऊपर जो है उसको कलाकृति के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको लैंड आर्ट कहते हैं। जैसे कि जो कभी कभार किसी स्थान विशेष पर जो मानव के चिन्ह बनाते हैं वो भी एक तरीके से लैंड आर्ट का ही पार्ट है। संस्थापन जो है कला, ये संस्थापन कला ये क्षणभंगुर तो है ही है, साथ में ये जरूरी नहीं किसी वातावरण में ही बाहर ही बनाई जाए, संस्थापन कला किसी कमरे में या किसी एग्जीबिशन हॉल में भी तैयार की जा सकती है। जवाब इसका 4 हो जाएगा। चित्रकार को जो कि डायगोनल सीरीज यानी कि विकिरण श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, तो ये हैं तैयब मेहता, विकिरण श्रृंखला डायगोनल सीरीज। महाबलीपुरम के मंदिर शिल्पों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो पल्लव शासकों द्वारा जो है ये महाबलीपुरम के मंदिर बनाए गए थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु के अंदर स्थित है, वैगे नदी के तट पर। बिंदु एक तरह से जीवन के संपूर्ण संभावनाओं से संपन्न बीज का प्रतीक है, यह कथन किसका है, तो बीज को लेकर काम किया था, बिंदु को लेकर काम करने वाले कलाकार हैं SH रजा, सैयद हैदर रजा, मध्य प्रदेश में जन्मे हुए कलाकार हैं। रणकपुर के जैन मंदिर को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो रणकपुर के जैन मंदिर जो है उनके कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम उनका चौमुखा मंदिर, उसको वन मंदिर के नाम से, त्रिलोक के दीपक के नाम से भी जानते हैं। 14th-15th सेंचुरी के आसपास में बने हुए जैन मंदिर हैं।
पाली राजस्थान में। और वैसे भी आप लोगों ने यदि सिलेबस को भी ध्यान से पढ़ा होगा तो शिला माता मंदिर सिलेबस में नहीं है, देशनोक भी सिलेबस में नहीं है, लोहागुल भी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में एक ही है चौमुखा मंदिर। निम्न में से कौन सा कार्य आई ए रिचर्ड का है? तो आई ए रिचर्ड ने जो एक बुक लिखी उसका नाम है साइंस एंड पोएट्री। साइंस एंड पोएट्री के द्वारा लिखी गई बुक है, जिनमें से द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आर जी कॉलिंगवुड की हो जाएगी, और इन दोनों का मुझे याद नहीं क्योंकि देखा नहीं मैंने। पोप कला निम्नलिखित में से किस कला संबंधी विचारों को से प्रभावित है? तो पोप कला जो है ये प्रभावित है मार्सल दुशा डुसेम जो हैं उनसे प्रभावित होकर जो है इस पोप कला का आविष्कार हुआ था इंग्लैंड के अंदर। मोनार्क सीरीज के मूर्तिकार कौन है? मोनार्क सीरीज या फिर इसको राजा सीरीज के नाम से भी जान सकते हैं किंग धनराज भगत की ये सीरीज है। किस विचारक का दर्शन प्रत्यय विशेष अवधारणा पर आधारित है? तो प्लेटो ने जो अपनी बात की थी वो प्रत्यय और विशेष पे की थी। ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया था? तो कांडिंस्की ने एक ब्लू राइडर नाम का चित्र भी बनाया था, उसी नाम पर इसका ये नाम भी रखा था। हालांकि जो मार्क है, मार्क ने भी एक नीले घोड़े नाम का चित्र बनाया था। उदयपुर का अंबिका माता मंदिर किस शताब्दी में बना हुआ है? तो ये 10th सेंचुरी में बना हुआ मंदिर है, 900 कुछ में यह मंदिर बना था जगत उदयपुर में। इसको मेवाड़ का खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा बनवाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर जो हैं वो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के अंदर चंदेल शासक द्वारा बनवाए गए थे। इनमें से प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण किस स्थान पर बना हुआ है? तो ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये एलोरा का सही जवाब हो जाएगा। सामान्यतः परिभाषिक शब्दावली रूपप्रद कला का प्रयोग होता है। तो रूपप्रद जो कलाएं होती है जिनको प्लास्टिक आर्ट के नाम से भी जानते हैं, संभवतः यहाँ पे नाम दे रखा है इंग्लिश में, बिल्कुल प्लास्टिक आर्ट है ना, जिनको रूपप्रद कलाएं कहते हैं, जिनमें रूप होते हैं। तो रूपप्रद जो कलाएं होती है वो आपकी विजुअल आर्ट्स होती हैं। विजुअल आर्ट दृश्य कलाएं जो होती है वो प्लास्टिक आर्ट होती हैं। दृश्य कला के अंतर्गत चित्र, मूर्ति, वास्तु, ये तीन कलाएं दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं, इनका रूप होता है। भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार के रूप में कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो इसका सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ट्रायंफ ऑफ लेबर मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है? ये देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति शिल्प है जो कि मेरीना बीच के ऊपर लगाई गई थी। इसकी एक जो प्रति है वो नगमा में भी संग्रहित है। ट्रायंफ ऑफ लेबर श्रम की विजय कांस्य में बनी हुई है। चित्रकार उल्लासलाल शिवदयाल झुमकलाल किस शैली के से संबंधित हैं? तो ये जो कलाकार हैं ये आपकी कंपनी शैली के कलाकार हैं। प्रश्न है, इस समूह की पहली चित्र प्रदर्शनी 7 जुलाई 1948 को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित की गई थी, यह समूह कौन सा था? तो समूह की बात की जा रही, तो समूह यहाँ पे एक ही दे रखा है ना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप एक समूह है। हालांकि चोलमंडल विलेज भी दे रखा है, बट चोलमंडल विलेज की प्रदर्शनी मुंबई में नहीं हुई है, और प्रोग्रेसिव और वैसे भी इसकी स्थापना जो चोलमंडल विलेज की 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी, तो ये तो गलत हो जाता है। ललित कला अकादमी भी नहीं हो सकती है, इसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई थी, तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। एसियाटिक सोसाइटी, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। तो इसका एक ही जवाब है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। सन 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी दूसरी प्रदर्शनी यहीं पर मुंबई आर्ट सोसाइटी में आयोजित की गई थी। किस कला में स्प्रे पेंट के माध्यम से मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है? तो स्प्रे पेंटिंग से ग्रेफिटी आर्ट बनाते हैं, यानी कि बड़े बड़े अक्षर जो है वो इसके माध्यम से लिखे जाते हैं। इनमें से कौन सा सही युग में सही नहीं है? तो इसमें फाउंटेन जो है ये मार्शल दुशा का है, सही बात है, जिसको फवारा नाम दिया था उन्होंने आर्मट लिख के। कंपोजिशन 4 वेलेस की वाशिली कैंडेंसकी का आर्टवर्क, ये भी ठीक बात है। स्ट्रीट लाइट जो को बल्ला के हैं, ये भी ठीक है, बट हेड ऑफ प्लेनेट जो है ये नाउम गाबो का आर्टवर्क नहीं है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा एक नंबर का। भारतीय स्थापत्य मूर्तिकला को आश्चर्यचकित करने वाला ध्वज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्रकला और स्थापत्य कला की बात की जा रही है, तो एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल जो है उसे मंदिर के परिसर में ही दो बड़े बड़े स्तंभ जो है वो बनाए गए हैं, जो कि आश्चर्यचकित उदाहरण है एक तरीके से चित्रकला और सॉरी मूर्तिकला और स्थापत्य कला के। प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार हमारे मानसिक व्यक्तित्व के 3 स्तर कौन से होते हैं? तो फ्राइड ने 3 बताए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो, अहम, इदम अहम और सामाजिक अहम, यानी कि सुपर ईगो से कहा गया है। किस चित्रकार ने अपने चित्रों को
प्रकाशनार्थ यानी प्रकाश करने के लिए लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की थी, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आप। राजा रवि वर्मा जिन्होंने 1994 के अंदर 1894 के अंदर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। सन 1963 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के लिए किस चित्रकार ने म्यूरल बनाए हैं, तो म्यूरल बनाने वाले कलाकार में नाम आता है आपके एम एफ हुसैन का। प्रश्न है, प्लेटो से पूर्व जो दार्शनिक विषय किस नाम से जानते हैं, उनको सोफिस्ट के नाम से जानते हैं जो प्लेटो से पूर्व हुए थे। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार रोमांसवाद के आर्टिस्ट हैं, तो रोमांसवाद की बात करते हैं तो कैरावेजियो, बर्नीनी, रूबेंस, पुसिनी, ये तो हो गए आपके बारोक शैली के आर्टिस्ट। गोया, देलाग्रा, टर्नर, कॉन्स्टेबल, ये आपके रोमांसवाद के आर्टिस्ट हैं, और ये आपके दोनों जो हैं ये किसी और वाद के हैं, संभवतः ये आपके इंग्लैंड के आर्टिस्ट आ गए यहाँ पे, चेनोवा भूल रहा हूँ फिलहाल मैं। खैर, तो गोया, देलाकरा, देलाकरा ये प्रमुख रूप से मुख्य प्रभाव वाले आर्टिस्ट थे, गोया, देलाकरा, टर्नर और कॉन्स्टेबल। निम्नलिखित में से कौन कौन सी चित्रों के निर्माता एडवर्ड माने थे, यानी कि एडवर्ड माने लिखा हुआ है, यानी एडवर्ड माने हैं, तो माने ने जो चित्र बनाए थे वो है ओलंपियन, उन्होंने बनाया था, बिल्कुल ठीक है, और एट द बार ऑफ फोलिस ब्राज़ील, ये दोनों ही आर्टवर्क इनके बनाए हुए हैं, और दो ही पूछे हैं यहाँ पे, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, यशोधर पंडित द्वारा लिखित टीका कौन सी है, तो पंडित यशोधर ने जय मंगला जो है इस ग्रंथ की यह टीका लिखी थी कामसूत्र के ऊपर। संतुलन के सिद्धांत से संबंधित है, तो संतुलन के लिए दृष्टिभार जो है वो भी एक संतुलन का प्रकार है। श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प किसकी रचना है, तो हमने पहले ही बात की थी, डीपी राज चौधरी का आर्टवर्क है, मरीना बीच में कांसे पे बनाया था, कांसे के अंदर। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भावात्मक व काल्पनिक पुनर्सृजन का पर्याय है, ये पहला कथन है, और दूसरा कथन है कलाकार में अविश्वसनीयता को विश्वसनीय बनाने का चातुर्य अपेक्षित है, तो अरस्तु की दोनों ही बातें सत्य प्रतीत होती हैं, तो इसमें से कथन ए और बी दोनों सत्य होने चाहिए। प्रश्न है, कला में काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसमें नैतिक दायित्व का होना आवश्यक नहीं है, ये विचार प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश कलाकार व कला आलोचक कौन है, तो ब्रिटिश की बात की जा रही है, तो अरस्तु तो ब्रिटिश नहीं है, प्लेटो भी ये भी नहीं है, इमानुअल कांट भी नहीं है ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन के एक ही हैं यहाँ पे कौन, रोजर फ्रोइस का सही जवाब हो जाएगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्रिटिक के जो हैं वो राइटर हैं आपके इमानुअल कांट। किस चित्र प्रसिद्ध चित्रकार ने अपने जीवन काल में मात्र 6 बड़े चित्र बनाए थे, इसका जवाब मैं पूर्ण रूप से जो है सहमत नहीं हूँ, या पूर्ण रूप से मैं नहीं कहूँगा कि एक्यूरेट है ये, बल्कि जो जॉर्ज सोरा जो है उन्होंने बड़े आकार के चित्र बनाए थे, जैसे कि उन्होंने एक चित्र बनाया था ए संडे आफ्टरनून ऑन द ला ग्रांड जात आईलैंड, ऐसा करके, यानी कि इस चित्र को उन्होंने तकरीबन 7 फीट बाई 5-6 फीट के आसपास का बनाया था, बड़े विशाल आकार का बनाया था, तो हो सकता है कि इसका जवाब ये हो, बल्कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, आपको यदि इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्नाशाह रत्नाशाह का नाम किस मंदिर के निर्माण के साथ जुड़ा है, तो ये मंदिर बनवाए थे रणकपुर के अंदर धनाशाह रत्नाशाह ने, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर में लूण वसही, विमल वसही मंदिर विमल शाह और जो है उन्हीं के समय वास्तुपाल तेजपाल ने बनाए थे वहाँ पे, और यहाँ पे हर्षद माता का मंदिर जो है ये सीकर के अंदर स्थित है, और अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा एक। अंबिका मंदिर का निर्माण किस पत्थर से जुड़ा हुआ है, तो इसका जवाब जो है वो यथासंभव इसका जवाब जो है सफ़ेद रेतीला पत्थर इसका जवाब होना चाहिए, इसका नज़दीकी जवाब सफ़ेद रेतीला पत्थर है, यानी कि बलवा पत्थर है, काला पत्थर बिल्कुल नहीं है, मार्बल भी बिल्कुल नहीं है, संभावना बन जाती है लाल पत्थर की, और सफ़ेद रेतीले पत्थर की संभावना बनती है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होना चाहिए। कौन से चित्रकार ने प्रसिद्ध चित्र ला लोगे बनाई है, तो ला लोगे जो आर्टवर्क है ये आपका रोदिन का है, सॉरी रेनोर का है, यानी कि रेनवार एक प्रभाववादी कलाकार है, रेनवार 1941 में जन्मे हुए कलाकार हैं। मूर्तिकार प्रदोषास गुप्ता, चित्रकार गोपाल घोष, निरोध मजूमदार, पारितोष सेन ने मिलकर जिस ग्रुप की स्थापना की उसका नाम क्या है, तो उन सभी ने मिलकर बंगाल दुर्भिक्ष के समय ग्रुप 1800 कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। चांद बावड़ी कहाँ पर है, चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर आभा नेरी दोसा के अंदर स्थित है। किस विचारक ने सौंदर्य शास्त्रीय विचारों को पश्चिमी स्वच्छंदवादी समीक्षा की चरम परिणति है, तो इसका जो जवाब है वो
हीगेल इसका सही जवाब होना चाहिए। हीगेल जो है उन्होंने ही अंततः जो है इनका जो विचारों का जो है वो अनुसरण किया गया था। इसका जो एवरी पॉसिबल जवाब जो है हीगेल होना चाहिए। आपके पास सटीक जवाब और कहीं मिलता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखें। कौन सा सही युग में है? तो सही युग में जो है यहाँ पे आ रहा है आंद्रे धीरे जो है वो फावाद के आर्टिस्ट से, ये ठीक बात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया है? तो ग्रामीण दृश्य दर्शाने वाले कलाकार हैं नंदलाल बोस, ऑप्शन 3। प्रकृति से प्राप्त उपमानों, उपमान मतलब उपमाएं जो होती है, के आधार पर चित्रण षडांग के किस अंग में वर्णित है? तो जो सादृश्य होता है प्रश्न नंबर 137, जो सादृश्य जो होता है सादृश्य के अंदर ही क्या होता है उपमानों की, उपमा और उपमेय का जो है वो वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, दिलवड़ा के लूण वसई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो लूण वसई के मंदिर जो है वो नेमी राज्य को समर्पित है। प्रश्न है, यह वक्तव्य किसने दिया था? मैं जो सपना देखता हूँ वह संतुलन, पवित्रता, शांति की कला है, कुछ ऐसी जैसे आराम करने के लिए एक अच्छी कुर्सी की तरह है। तो इसका जो जवाब है वो हेनरी मातिस जो है इसका सही जवाब माना जा रहा है। हेनरी मातिस यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कला कलाकार लुसियानो फोंटानो का है? तो लुसिया फोंटानो जो है इसका एक्चुअली कोई जवाब देखने को नहीं मिला है ये कि ये किस वाद से संबंध रखते हैं। हालांकि जिस वाद से संबंध रखते हैं उस वाद का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो इसका जवाब क्या होगा ये भी मैं फिलहाल असमंजस में हूँ। सीमेंट में निर्मित कृति टॉयलेट का मूर्तिकार कौन है? तो ये जो आर्टवर्क है ये शंकर चौधरी ने बनाया था, वास्तव में ये है पत्थर में निर्मित है। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। कलाकार जो अपने चित्रों के रंगांकन हेतु रंगीन खड़िया का प्रयोग करते हैं यानी कि पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हैं, तो पेस्टल रंगों का यूज करने वाले कलाकार यहाँ पे एडगर देगा। देन यूरोपीय चित्रकार माइकल एंजेलो के चित्रों में अंतराल विभाजन कौन सा देखने को मिलता है? तो इनके जो विभाजन उसमें सम विभाजन देखने को मिलता है माइकल एंजेलो के चित्रों में। कलाकार और कलाकृतियों के इसका चयन हमें करना है, तो टर्किश बात जो है यहाँ पे एंगर का हो जाता है, द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथोनी जो है ये आपके सेजान का हो जाता है, मानावा टापू पॉल गोगिन का हो जाता है और मिंदुरा वाशली का हो जाता है। इस प्रकार से 3-2-1-4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, स्थिर शांति मौन संतुलन को दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, सीधी पड़ी रेखाएं शांति मौन संतुलन आदि को दर्शाती है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो है वो यशोवर्मन ने बनवाया था। कांट का सौंदर्य उदात्त का विश्लेषण किस अवधारणा पर स्थापित है? क्वेश्चन लिखा गया है, कांट इन हिज एनालिसिस ऑफ ब्यूटी एंड सबलाइम ही एस्टैब्लिश हिज कॉन्सेप्ट्स ऑफ, तो उसने अपना जो कॉन्सेप्ट जो है वो किस के ऊपर जो है स्थापित किया था? तो कांट जो है इसका जवाब होना चाहिए कैथार्सिस की अवधारणा, इसका जवाब होना चाहिए कि उन्होंने कैथार्सिस की अवधारणा के ऊपर जो है अपने सौंदर्य और उदात्त का विश्लेषण किया था। कैथार्सिस की अवधारणा अरस्तु के द्वारा दी गई थी, तो उसी के आधार पर इन्होंने ये अपने विचार रखे होंगे। इसका जवाब 4 हो सकता है। किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा फॉर्म यानी कि रूप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका जवाब यहीं पर है, FORM यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक रिलेवेंट ऑफ मैटर जो है उसको फॉर्म कहते हैं, ये इसका सही जवाब है। फर्स्ट ऑर्गेनिक रिलेवेंट ऑफ मैटर यानी कि FORM यही इसका सही जवाब है, फॉर्म यानी रूप। कर्णवत रेखा का प्रभाव क्या है? तो कर्णवत रेखा जो है वो नाटकीय और प्रबल संबंधन का जो है प्रभाव दर्शाती है। तो ये थे 150 प्रश्न। कितने प्रश्नों का जवाब सही रहा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जिनके जवाब आपको पता थे, जिन प्रश्नों में संदेह था उनके बारे में भी आप मुझे बताइए, और प्रश्न पत्र के
इस एनालिसिस के अंदर हमारे सहयोगी रहे थे सिकंदर जी सुधार, तो उनका भी आभार विशेष इस प्रश्न पत्र के हल करने के लिए। तो वीडियो के अंत तक मेरे लिए आपका धन्यवाद।